गाइस हमने भोले बाबा के दर्शन पूरे कर लिए हैं, अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा के मंदिर। यहाँ से कम 1.5 किलोमीटर है ऊपर है, 1.5 किलोमीटर, हाँ 1.5 किलोमीटर ऊपर है और पूरा पैदल मार्ग है, तो हम जाएंगे अभी, है ना। फाइनली हम भैरव मंदिर के लिए निकल चुके हैं और यहाँ से मंदिर होगा कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर के ऊपर पे। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से एंटर होना मंदिर के लिए और सीधा ये जो रास्ता जा रहा है ऊपर 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 ऊपर, कम से कम यहाँ पे हमें पहुँचने के लिए लगेंगे 15 से 20 मिनट। चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है भैरव बाबा की, अब चढ़ते हैं। ज़्यादा नहीं, मैक्स 15 से 20 मिनट लगेगा, लेकिन मेरे लिए वो भी हैवी है क्योंकि मेरा वेट हो गया है थोड़ा भारी। सांस चढ़ने लग गई तो मैंने अपना कैमरे का बैग मोहित को दे दिया है और वो रहा हेलीपैड यहाँ का। सो चलते चलते 5-6 मिनट हो चुके हैं, काफ़ी ऊपर आ गया हूँ मैं, वहाँ से पूरा 5 मिनट में आ गया मैं। थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ, सांस कुछ ज़्यादा ही फूल रही है, पहुँचने वाले इतना सा थोड़ा सा लगेगा, होगा 5 मिनट और। जो नदी आई थी वहाँ से बहकर आई थी जब यहाँ 2013 में आई थी, पूरा ये सब यहाँ पे पूरा सब चीज़ ख़त्म हो चुका था, यहाँ पे पूरा इक्वल हो गया था यहाँ पे। और यहाँ पे हेलीपैड हमको मंदिर से कम 500 मीटर की दूरी में उतारता है और यहाँ से हेलीपैड से दिखने लग जाता मंदिर। वहाँ चलते 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 5-10 मिनट में आप यहाँ मंदिर में पहुँच जाते हैं। सो चलते हैं और आगे, अभी थोड़ा सा रह रहा है, कम से कम 10 मिनट का रास्ता। मैं अभी तक नहीं पहुँचा, मोहित साथ पहुंच चुका है ऊपर, ऑलमोस्ट आ ही गया मंदिर पूरा। तो भैया कह रहे हैं कि उल्टा चलो कि कम लगता है बॉडी में, सही लग रहा भैया? भाई मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा, आराम से चल रहा हूं, देखो आपके सामने। यहाँ पे सभी ट्राई कर रहे थे, अरे आराम से। और गाइस यहाँ पे देखिए पूरा पानी जम रहा है, ठंड इतनी पड़ रही है यहाँ पे। भैया हमारे भैरव बाबा मंदिर पर अब मैं पहुँच चुका हूँ, अब आपको कराता हूँ मैं दर्शन। चुके हैं दंसन, पूरे अच्छे से हो चुके हैं, अब मुझे जाना है उस साइड पे और अब वहाँ से रास्ता जाएगा पूरा ऊपर की साइड से, तब हम पहुँचते हैं वहाँ, तब जाके मिलता हूँ मैं आपको। मैं समझ में आ रहा है यहाँ से तो रास्ता मिल नहीं रहा, मेरे को बताया गया कि इधर से चले जाओ, लेकिन वहाँ सारे लोग तो उधर से आ रहे हैं। भाई जी इधर से भी कोई रास्ता जाने के लिए ऊपर? इधर से नहीं है ऊपर जाने के लिए? घूम के दोबारा वापस आना पड़ रहा है क्योंकि अब दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। अब इस रास्ते से जाएंगे ऊपर 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 ऊपर, इधर से जाऊं ऊपर के लिए? ठीक है ठीक है। पूरा रास्ता स्लीपी हो रखा है यहाँ पे और कितना मज़ेदार व्यू आ रहा है यहाँ से। पता है क्या, जितनी हम ऊपर पास जा रहे हैं उतना ही ऐसा लग रहा है कि पहाड़ और बड़े होते जा रहे हैं, तो फुल ट्रैकिंग भी हो रही है। कैसा लग रहा है आपको सबसे बताना, कमेंट में ज़रूर बता देना मुझे। You and me hanging from the willow tree quietly drifting। वैसे मैं सच में बता रहा हूँ आपको, मैं पहाड़ बहुत बार घूम रखा हूँ, मतलब बेसिकली मैं उत्तराखंड से ही हूँ, मैं पहाड़ बहुत बार घूम रखा हूँ, लेकिन यहाँ की कुछ अलग ही बात है। सीरियसली हर टाइम हमको नया व्यू देखने के लिए मिलता है और यहाँ पे इतनी शांति मिलती है ना, क्या बताऊँ। चलिए थोड़ी देर के लिए बैठ गया था मैं, अब उठते हैं
और फिर दोबारा चलते हैं अपना ऊपर, थोड़ा सा रह गया है बस। मैं काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुका हूँ, एक घंटे पहले मैं वहाँ था, अब एक घंटे बाद यहाँ हूँ। धीरे धीरे करके पूरे क्राउड्स भरते जा रहे हैं, अब मौसम और भी ज़्यादा ठंडा होने वाला है पूरा यहाँ पे। अब थोड़ा सा रह गया बस, कम से कम 5-6 मिनट का रास्ता और होगा। यहाँ पे बहुत ही संभाल के चलना पड़ रहा है, पूरा स्लीपी हो रखा रास्ता, और ये वाला रास्ता बहुत ही ज़्यादा डेंजर लग रहा है मुझे वहाँ जाने के लिए। एक मिनट मैं पहले से क्रॉस करता हूँ, तब मिलता हूँ मैं आपसे। तो तुम्हारा भाई पहुँच चुका है बहुत ही ऊपर था, मज़ा आ गया लेकिन चलने में। और यहाँ पर यहाँ का लास्ट पॉइंट यही है, यहाँ पे अभी मैं ही हूँ और कोई नहीं है यहाँ पे, देख लीजिए आप। मेन में इन चीज़ों को देखने के लिए आया था, और मुझे लग रहा है मेरे को लगता है 2-3 घंटे और चलूँगा तो मैं पहुँच ही जाऊँगा, लेकिन नहीं, मेरे को आज ही उतरना है, मुझे आज ही नीचे उतरना है। और मुझे उतरने में पूरा लगेंगे 5-6 घंटे, क्योंकि यहाँ गौरीकुंड तक लगेंगे मुझे कम से कम 5-6 घंटे, क्योंकि यहाँ से है 18-20 किलोमीटर के दूरी में हूँ मैं। और यहाँ पे क्लाउड्स इतनी तेज तेज चल रहे हैं ना, सीरियसली सामने आँखों के सामने देखने में भी इतने फास्ट जा रहे हैं। मैं आपको टाइमलेस में दिखाता हूँ कितने फास्ट जा रहे हैं, टाइमलेस में तो वैसे और भी फास्ट दिखता है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो मोहित भी आ चुका है काफी करोड़ों घंटे बाद। भाई मैं मंदिर में मट्ठा टेक के भी आ गया था, मेरे से मत बोल कि मैं नहीं आया मंदिर में। मैंने काफ़ी अपने आप को भी टाइम दिया यहाँ पे, मतलब 1-1.5 घंटा मैं आराम से बैठा रहा, सुकून से पहाड़ों को देखता रहा, और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके बैठ के। मन ही नहीं कर रहा कि घर जाएं, क्या करें, जाना तो है ही, काफ़ी अभी टाइम भी यहाँ पे काफ़ी लगेगा। तो अब मैं निकल रहा हूँ, काफ़ी टाइम दे दिया मैंने यहाँ पे अपने आप को, मतलब 1-1.5 घंटा मैं बैठा रहा ऑलमोस्ट। अब नीचे जाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं चलता कि कब मौसम चेंज हो जाए, 5 मिनट में कुछ और आता है, 5 मिनट में कुछ और बदल जाता है, तो उसी में नीचे जाने में फ़ायदा है। अभी हमें लगेंगे 4-5 घंटे पहुँचने में नीचे पूरा गौरीकुंड तक, फिर वहाँ से हम देंगे टैक्सी, फिर सीधा हम जाएंगे फाटा अपने रूम पे। चल भाई अब मौसम वेदर चेंज होने लग गया है, चलते जल्दी जल्दी चलना है। अब नीचे जाने में पैर भी दर्द होता है वैसे, क्योंकि पूरा बॉडी वेट पैर में ही पड़ता है। जैसे कि मैंने बताया था कि 5 मिनट में पहाड़ों में वेदर एकदम चेंज हो जाता है, मैं सिर्फ वहाँ से इधर ही आया हूँ, और आप देखिए हिल्स देखिए, वहाँ पूरा क्लाउड से भर चुका है। मैं सिर्फ वहाँ से यहाँ तक आया हूँ, इतनी जल्दी वेदर चेंज होता है। तो अब ठंडी ठंडी हवा भी चलने लगी है, और बहुत ठंड भी लग रही है। अब जल्दी से नीचे उतरते हैं, तब आपको मैं मिलता हूँ। ये बंदा वहाँ से उतर चुका है, जब मैं मना कर रहा हूँ कि वहाँ पर बहुत डेंजर है, हम तो वही अपना सेफ जगह से जाएंगे। आ गए हम भैरव मंदिर वापस से, ये बंदा पहुंच चुका है यहाँ पे। सो पूरा वहाँ से नीचे उतर चुके हैं, और भैरव बाबा का भी आशीर्वाद ले चुका है। अब हम चलते हैं पूरा नीचे, तब मैं आपको जाके मिलूंगा। तो हम पहुंच चुके हैं पूरा नीचे केदार मंदिर पे, भोले बाबा के पास। तो हम लोगों ने भोले बाबा के भी दर्शन कर लिए, और भैरव बाबा के भी दर्शन कर लिए। तो अब जितनी जल्दी हो पाए उतनी जल्दी वापस आएंगे, भोले बाबा के बुलावे का इंतजार रहेगा। मन तो नहीं कर रहा वैसे यहाँ से जाने का, लेकिन क्या करें, अगर जाएंगे नहीं तो वापस कैसे आएंगे दोबारा, क्यों।